अस्सलाम वालेकुम। सॉरी स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग एरर जो मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, मैक्सिमम भी टाइम अवेल हो ही गया है। अच्छा, मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स अवेल हो गई हैं, आ गई हैं, सबको मेरी आवाज़ क्लियर है तो मुझे मैसेज में कोई कंफर्म कर दे, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है आवाज़ में? जी ठीक है, क्लियर है, दैट्स गुड। अच्छा चलें, हम अच्छा कल वाले लेक्चर्स के रिगार्डिंग किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग? सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है? फ्री कंसेंट और वाइड एग्रीमेंट हमने कल लैबोरेट किए थे कि फ्री कंसेंट क्या होती है और हम वाइड एग्रीमेंट्स। जी इज़ा, आपको क्लियर है? कोई पर्सन मुझे अपना इज़ा आप मुझे बताएंगे कि फ्री कंसेंट एक्चुअली होती क्या है? ये मैंने आपको अनम्यूट किया है तो प्लीज मुझे बताएं। जी सर। हाँ, फ्री कंसेंट का मुझे बताएं कि फ्री कंसेंट क्या होती है? सर, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ना हो और फ्रॉड से ना हो, ये सारी एग्जांपल्स थी, वो आती हैं इसमें। जी, पांचों की पांचों चीजें, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, इन सब चीजों से आजाद होनी चाहिए, या जिसको लॉ ने कह दिया है उसे आजाद होंगे तो आपको कहते हैं कि फ्री कंसेंट है। फ्री कंसेंट इज द एसेंशियल ऑफ द वैलिड एग्रीमेंट। अच्छा, इसका मतलब है कि सबको क्लियर है। अच्छा, नीज कहते हैं टू पर्सन एग्रीड एट द सेम पॉइंट एट द सेम सेंस। ठीक है, फ्री कंसेंट आपने टिपिकल डेफिनेशन मतलब कि या तो क्रैम की हुई या देख कर बताई है। एक्चुअली फ्री कंसेंट जो इसने बताया है कि यार पांचों चीज से वो आजाद होनी चाहिए, सेम थिंग्स पे हो लेकिन इन पांचों चीजों से भी आजाद होनी चाहिए कि, तो हम कहते हैं कि फ्री कंसेंट। जो अनीस आपने डेफिनेशन बताई वो सिर्फ कंसेंट को आप कह सकते कि यार सेम चीज पर अगर आप एग्री कर जाते हो, वन और टू पर्सन आपस में मिलकर किसी चीज पर सेम थिंग पर एग्री करते हैं, दैट इज अ कंसेंट। सिर्फ अपनी असेंट देनी होती है ना, एक होती है कंसेंट, रजामंदी, रजामंदी होगी यार दोनों इस चीज पर मुत्तफिक है। लेकिन फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि यार इन चीजों से पाक हो, बालातर हो, जिसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्री कंसेंट। नाउ हमने आज नेक्स्ट चैप्टर में कहा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि ये हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, हमने थर्ड सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ी थी, सेकंड और थर्ड चैप्टर में, कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, कुछ परफॉर्मेंस के रेलेवेंट थी, कुछ उसकी चीजें इन्फोर्सिबिलिटी किस तरह की हमने पढ़ी थी। परफॉर्मेंस के रेलेवेंट हमने पढ़ी थी कि यार एग्जीक्यूटेड है या एग्जीक्यूटरी है, फिर हमने उसमें पढ़े थे यूनिलेटरल या बायलेटरल। थोड़ा सा रिपीट हो जाए कि यार एग्जीक्यूटेड हो जिसमें मतलब कि अपनी दोनों पार्टीज अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी हो, इसी का नाम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और जिसमें कोई पार्टी रहती हो या कुछ ना कुछ प्रोसेस में होना रहती हो, दैट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि इन प्रोसेस में जो होता है। फिर यूनिलेटर की हमने बात की कि वन एंड पर अगर परफॉर्मेंस होनी रहती है तो दैट इज कॉल्ड द यूनिलेटर, एंड दोनों के एंड पर होनी रहती है तो दैट इज कॉल्ड द बायलैटरल। सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग एंड टाइप्स में क्या कहते हैं कि यार, अच्छा यहाँ पर कोई स्टूडेंट हो जिसका आज फर्स्ट डे है? एनी वन पर्सन ओवर हेयर? किसी का फर्स्ट डे नहीं है आज? अच्छा, अनीस एंड एक और ने मुझे प्रेजेंटेशन थोड़ी सेंड की थी, आप लोगों की वजह फाइल ओपन ही नहीं हो रही है। आप जो कल मुझे प्रेजेंटेशन और परसों मेल भी की थी, आप लोगों की नहीं हो रही है मेल, या तो बहुत हैवी फाइल है, दैट्स वाई कुछ प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हुई है। निवेद, हम रेज्यूम करते हैं। मीनिंग एंड टाइप्स, कहता है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन, अंडरस्टूड है? कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? क्रिएट करता है ऑब्लिगेशन।
रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे के जो जो उन्होंने काम करने वो ऑब्लिगेशन कहते हैं ना कि जिम्मेदारी आयद कर देता है. Which continues till the contract has been discharged. Discharge का मतलब है जब तक दोनों parties या दोनों अपनी अपनी performance execute ना कर दें और अपने अपने काम से discharge ना हो जाएं. Performance of the contract is one of the vital modes of discharge of the contract. यार contract से discharge होने की अपनी अपनी रजामंदी कर दी कि मैं अब इस काम से बाला तरूं आजाद हूं. उस वक्त तक नहीं कहेंगे जब तक उनका परफॉर्मेंस दोनों की नहीं होगी. तो हम ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इज द एसेंशियल पार्ट या इज द एसेंशियल मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हम आगे जाके पढ़ेंगे कि यार कॉन्ट्रैक्ट से कैसे कैसे डिस्चार्ज हुआ जा सकता है. तो ये हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस के थ्रू भी हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होते हैं. मतलब कि डिस्चार्ज का मतलब उससे हम फ्री हो गए. तो द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर फॉर्म या तो आइदर फॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म करती है देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस. ऑलरेडी अंडरस्टूड है आप लोगों को, या तो ऑफर करती है या ऑफर टू परफॉर्म करती है. अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी ऑफ द अदर लॉ या किसी लॉ में. अब आगे हम कह देते हैं कि यार देयर आर टू टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस है या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है. यहाँ पर थोड़ा जेन का जो कहते हैं ना ऊपर वाला जो ढक्कन शक्कन है टॉपर है तो वो थोड़ा सा खोल के बैठेगा. छोटे छोटे यहाँ पर टर्मिनोलॉजी थोड़ी ज्यादा होंगी कि एक्चुअल क्या है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है. ये बड़े टिपिकल की और एग्जामिनर के बड़े मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में है. ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि व्हेन द प्रोमिसर हैज मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जैसी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में पेश की वैसे आप दोनों ने परफॉर्मेंस की. एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी इज कॉल्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर लेड डाउन इन द स्टाम्प पेपर. जो भी है, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया हुआ उसके अंदर जो लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली जो आपने परफॉर्मेंस दी है दोनों ने, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस. आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर एट हिज वेयर हाउस. उसने अपने वेयर हाउस पे क्या है 1 नवंबर को 500 बेल्स ऑफ द कॉटन ऑफ द पर्टिकुलर क्वालिटी. आजम ब्रॉट द कॉटन ऑफ रिक्विजिट क्वालिटी जो उसने डिमांड की है टू द अपॉइंटेड प्लेस ऑन द अपॉइंटेड डेट ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एंड बाबर टुक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. दिस इज एन एक्चुअल परफॉर्मेंस एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. Attempted performance, उसने साथ example में quote भी कर दिया कि tender जैसे है. Section 38 में कहा गया है कि when the promisor has made an offer of performance, उसमें क्या किया made, उसने offer कर दी है. इसमें क्या किया offer of performance, but the offer of performance of the promisor is not accepted by the promisee. वो accepted नहीं करता लेकिन कुछ modification के साथ आप कर लो के कहता है. It is called an attempted performance. Attempted performance is also known as tender. नीचे हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर एट हिज वेयरहाउस ऑन 1 नवंबर 500 बेल्स ऑफ द कॉटन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी. आजम ब्रॉट द कॉटन ऑफ द रिक्विजिट क्वालिटी टू द अपॉइंटेड प्लेस ऑन द अपॉइंटेड डे ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एंड बाबर रिफ्यूज कर देता टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. इट इज अ केस ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बिकॉज आजम हैज डन what he was required to do under the contract. इसको किसी हद तक हम कह सकते हैं कि unilateral performance है आपकी, क्योंकि वो क्या क्या कहते हैं कि आजम ने अपनी तरह से डन कर दिया जो कि वो रिक्वायर्ड चाहता था, ताकि उसने इनकार किया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. किसी को इन दोनों में कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क. सबको क्लियर है? ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि essential of the valid tender and attempted performance. कि अब इसको कहेंगे क्यों और कब कहेंगे कि यार ये this is the attempted performance. Essentials क्या हैं? पहली बात तो unconditional. The tender is said to be unconditional when it is made in accordance with the terms of the contract. यदि contract के मुताबिक होना तो वो unconditional होनी चाहिए. कि Anam which is a debtor of the ABC Limited offers to pay the amount due if ABC Limited also allots her 500 shares एट पार वैल्यू. ये अभी किसी को कंफ्यूजिंग हो रही है तो एट पार वैल्यू.
ये अभी थोड़ा सा हम लैबोरेट कर लेते हैं, पार वैल्यू थोड़ा सा हम यहाँ पर मिक्स ना हो जाए ना आपके साथ। देखें स्टूडेंट्स, एक होती है फेस वैल्यू जिसको हम, और एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू समझो 10 रुपीज का आपने नोट लिया और उसके ऊपर जो 10 रुपीज नजर आ रहे होते हैं, 10 का लफ्ज लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। और दूसरी एक बात करते हैं कि यार 10 रुपए की चीजें आएंगी कितने, ये उसकी एक और वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की पहले एक चॉकलेट आती थी, अब 2 आती है, तो हम इसको कहेंगे कि मनी की वर्थ बढ़ गई है, ना कि कम हुई है। मनी की वर्थ का हम कहते हैं कि यार जो कल चीज 2, अगर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज में 2 चॉकलेट आती थी, आज 1 चॉकलेट आती है, तो इसको हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो इट इज कॉल्ड, हम कहते हैं कि यार इन्फ्लेशन आ गई है, महंगाई आ गई, ये पैसे की वर्थ गिरती है तो चीजें कम आती हैं। तो ये होते हैं कि फेस वैल्यू का, पार वैल्यू का वर्ड भी हम लेते हैं। तो उसने कहा है कि यार जो शेयर्स थे एट पार वैल्यू पर उसने क्या किया, अलॉट कर दिए। इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर ऑफ मनी ड्यू टू द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय द अनम, जो कि उसने कंडीशन कर दी थी, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि अनकंडीशन होनी चाहिए। प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, ये जो उसने टाइम स्केड्यूल में लगा दिया, अगर टाइम नहीं भी स्पेसिफिक है तो ड्यू इन द बिजनेस आवर इट इज नॉट द कॉल्ड अ प्रॉपर टाइम। कि टेंडर ऑफ द गुड्स और मनी बिफोर द ड्यू डेट इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड टेंडर। टेंडर मस्ट बी मेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम रिक्वायर्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और ड्यूरिंग बिजनेस आवर। जहां पर टाइम डिसाइड नहीं किया तो ऑब्वियसली एक अंडरस्टूड है, जिसको हमने रीजनेबल टाइम का वर्ड भी हम ले सकते हैं कि ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। कि अदील ऑर्डर्ड अ केक फ्रॉम द शिंग्रीला बेकर्स फॉर हिज डॉटर्स बर्थडे ऑन 17 अगस्त। शिंग्रीला बेकर्स brought the cake on 15th August for delivery. Adil is not bound to accept the cake as the tender is not made at proper time. इसी तरह proper place, जो उसने place बताई stipulated place पे वो delivery करे as business place, या stipulated place या वो business place during the business hours. इसी तरह proper person, जिस person को कहा गया है, जो authorized agent है या वो खुद है, वही पर it must be made the promisee और duly authorized agent in case of a several joint promises। जाहिर है 10 जगहों पर अगर promise आपने किए हुए तो 10 जगह पर खुद तो personally तो नहीं जा सकता ना, उसके बिहाफ पर कोई ना कोई इसका representative जाएगा, authorized representative। और तो tender to one of them has the same legal consequences, सबका same legal consequences होगा, सबका same legal and rights and obligations होंगे, सबका same हक होगा law के अंदर। कि जो उसने एजेंट ने किया वही है, ऑब्वियसली एजेंट जो होता है वो अपने प्रिंसिपल को, जिसने उसको ऑथराइज किया होता है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह रीजनेबल अपॉर्चुनिटी की हमने बात की, कि प्रॉमिस ही मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर, उसके पास रीजनेबल एक अपॉर्चुनिटी होती है कि यार बिफोर टेकिंग द डिलीवरी ही कैन एग्जामिन इन फ्रॉम द एंटायर डिग्री, एग्जामिन दैट द गुड ऑफर्ड आर द सेम एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो उसने क्वालिटी डिमांड की उसके मुताबिक है कि नहीं, आपके पास रीजनेबल एक अपॉर्चुनिटी होती है टाइम स्केड्यूल के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी है कि फॉर एग्जाम्पल रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली आपको पता है कि रीजनेबल का वर्ड सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक ऑडिटर जो होता है वो एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है, कॉमन सेंस बात करते हैं कि पूरा साल का जो काम किया होता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ऑडिटर्स हायर किए होते हैं, वो पूरे साल का काम, जाहिर बात है 10 15 20 25 दिन में वो जाहिर करना होता है, तो जाहिर बात है ईच एंड एवरीथिंग वो नहीं करता, लेकिन वो सैंपल इस तरह सेलेक्ट करते हैं चीज़ों के कि यार इंटायर डिग्री के प्रोफेशनल, हमारी जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो कहीं पर बाईपास ना हो। इन शॉर्ट करे कहने की बात यह कि वो रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं दे रहे होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि 100% आपने वेरिफिकेशन की है तब तो हम एब्सोल्यूट करते हैं। अगर रीजनेबल का मतलब है कि यार मैक्सिमम हमने कोशिश की है एक रीजनेबल एक सर्कमस्टांस बनाने की, सैंपल एक हमने सेलेक्ट किया, तो वो 100% नहीं देते। क्यों नहीं देते कि यार एक पूरा साल का काम हम कैसे पूरा 100% चेक कर सकते हैं, कि वाई आपका डिफरेंट होता है, कि यार स्कोप पे भी डिपेंड कर रही होती है ऐसी चीज़ें। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि यार इतना ज़्यादा बल्क में मान लो
और आपने जरा जरा फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने कुछ ग्लव्स का ऑर्डर दिया या जीन्स की पैंट का ऑर्डर दिया और हजारों की तादाद में वो हजार के हजार पीसेस भी चेक करेगा, कोई 8-10 को डिफरेंट जगहों से वो चेक कर लेगा, तो दैट इज कॉल्ड द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। लेकिन वहां पर आप कहेंगे यार कम से कम घंटे दो घंटे, आप कहेंगे यार इतना सारा माल है घंटे दो घंटे में हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो एक रीजनेबल टाइम पे उसको देना चाहिए कि टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप चेक कर लो। अगर वो रीजनेबल टाइम नहीं है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के मुताबिक नहीं है, तो जाहिर बात है कि बाद में अगर कोई गड़बड़ आती है, कहते हैं कि यार मुझे तो इतना टाइम चाहिए इसको एग्जामिन करने के लिए, वो कहते हैं नहीं यार कोई इशू नहीं है, अगर बाद में क्लेम होगा तो हम अवेलेबल हैं आपके क्लेम को डिस्पर्समेंट करने के लिए, तो कहते हैं यार ठीक है कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको रिटर्न में जब ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में लेकर आएंगे तो वो ठीक है, बाद में उसको डिलीवरी होते तो आप क्लेम डैमेजेस भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपका ये कहना कि यार उसमें टाइम पीरियड दिया हुआ था रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, फिर आप लोग क्लेम नहीं कर सकते। होल ऑब्लिगेशन, वैलिड टेंडर इज फॉर द होल ऑब्लिगेशन, हाउएवर अ माइनर डेविएशन फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट टेंडर द टेंडर इन वैलिड। Like, हमने एग्जाम्पल कहते हैं कि वकास इज डेटर ऑफ द बाबर, बाबर का क्या है डेटर है, वकास ऑफर करता है टू पे इन इंस्टॉलमेंट कि मुझे इंस्टॉलमेंट में दो टू बाबर वाइल द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड पेमेंट इन फुल, यार तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि वो ओवरऑल फुल पेमेंट देने का है, तो इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर। टेंडर में कभी आपने सुना है कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रही होती है, ठीक है कहता है टेंडर में वैसे ही है, तो आप स्टिपुलेटेड फुल की पेमेंट, तो इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर कहलाए। Fixed amount and legal tender. कहते हैं in case of a tender of the money, the amount must be fixed होनी चाहिए and legal tender में होनी चाहिए। हम example quote कर लेते हैं कि tendering has rupees 5000 currency note to a bus conductor for a ticket of rupees 20. It is not a valid tender. उन्होंने example quote किया, actually ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ example mind map एक बनाने के लिए कि यार 5000 करेंसी नोट और 20 रुपए के लिए आप उसको दो के भाई ये दो मुझे टिकट। तो इसी तरह टेंडरिंग अ चेक ऑफ रुपीस 20 टू अ बस कंडक्टर फॉर अ टिकट ऑफ 20 इज नॉट अ वैलिड ऑफ टेंडर। अब आपको उसको चेक दे दें बस कंडक्टर को हैं, तो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट और लीगल टेंडर होना चाहिए आपको, ताकि जिस तरह टेंडर के केस में ना पहले से प्रीपेड करना, एक बैंक ड्राफ्ट हम बना लेते हैं कि और उसके केस में ना एडवांस में हम चेक देते हैं कि यार इतनी है फिक्स रेट होता है। अब इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का इफेक्ट क्या होगा, कहते इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ वैलिड टेंडर, कि वैलिड टेंडर को एक्सेप्ट करने से आप इनकार कर देते हो गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या होगा, ऑफर टू डिलीवर करता है बट द प्रॉमिस ही रिफ्यूज कर देता है टू एक्सेप्ट करने से, द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई, क्या होगा रूल, गुड्स एंड सर्विसेज नीड नॉट टू बी ऑफर्ड अगेन, दोबारा ऑफर के मिजाज नहीं होंगे, जरूरत नहीं है, प्रोमिसर मे सू द प्रोमिसी, वो प्रोमिसी पर सू कर सकता है फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड क्लेम डैमेजेस के लिए। मैंने आपको पहले बताया जिस तरह रीजनेबल एक अपॉर्चुनिटी की मैंने बात की थी, इस तरह प्रोमिसर इज डिस्चार्ज हो जाता है, ऑफर करने वाला डिस्चार्ज होता है अपनी लाइबिलिटी से कि ही इज नॉट लाइबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, उसको नहीं कहेंगे भाई उसने परफॉर्मेंस नहीं की। नीचे उसी की एग्जांपल कोड की गई, वो आगे है कि इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ वैलिड टेंडर ऑफ मनी, वो था गुड्स एंड सर्विसेज के केस में, और मनी के केस में क्या होगा, इसमें होगा द प्रोमिसर इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू पे द अमाउंट, इसमें प्रोमिसर डिस्चार्ज नहीं होगा अपनी लाइबिलिटी से टिल दैट टाइम जब तक वो पेमेंट नहीं करता, और प्रोमिसर विल नॉट लाइबल फॉर द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द वैलिड टेंडर। जब हम एग्जाम्पल कोड कर लेते हैं कि नेम प्रॉपरली टेंडर्ड रुपीज 75,000 टू आसिम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट आसिम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अमाउंट, आसिम ने रिफ्यूज कर दी इस अमाउंट को एक्सेप्ट करने के लिए, नेम वुड स्टिल बी लाइबल, वो अभी तक लाइबल है 75,000, वो उसको देने पड़ेंगे बट विल नॉट लाइबल टू पे एनी इंटरेस्ट ड्यू टू द डिले ऑफ द पेमेंट। आगे इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म करने से वो इनकार करते हैं कि भाई मैंने परफॉर्मेंस नहीं करनी, तो वो क्या है कि व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हो जाता है हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरली द प्रॉमिस मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, कर सकते हैं अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज विलिंगनेस इन इट्स कंटिन्यूअस।
वो क्या हो जाता है, पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब तक अदरवाइज वो सिग्निफाई ना कर दे बाय वर्ड्स, कंडक्ट के थ्रू, या अपनी विलिंगनेस शो कर दे या कंटिन्यूअस ना करने की ना, अपनी जब तक वो कंडक्ट शो ना कर दे, अदरवाइज वो एंड हो जाएगा. जैसे हम एग्जांपल कर लेके लेते हैं कि अस्मा अ सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बाबर द मैनेजर ऑफ अ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर टू नाइट्स एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट टू मंथ्स एंड बाबर एंगेजेस टू पे हर एट द रेट ऑफ 100 फॉर ईच नाइट. ऑन द सिक्स्थ नाइट Asma willfully absent herself with the assent of the barber. Asma signs on the seventh night. Barber has signified his acquiescence in the continuance of the contract. यही हमने बात की थी कि unless he has signified by words, क्या हो जाएगा वो? May put an end to the contract. Barber has signified his acquiescence in the continuance of the contract and cannot now put an end to it. But is entitled to compensation for damages sustained by him. जो उसको loss हुआ है through Asma's failure कि वो उस दिन नहीं आई to sing on the sixth night. ये सारा उसी की conditions दी हुई है. अच्छा, यहाँ तक किसी student को समझ ना आई हो तो please ask. सबको clear है performance, attempted performance के about. किसी का कोई question हो जी, इजा आपको समझ में आ गई है? इदा कमर नदीम, अच्छा जी कमर, अच्छा पार वैल्यू, आपने शेयर के बाद कभी बात सुनी है कि यार शेयर्स क्या होते हैं? कभी कोई जहन में कभी सुना हो कि यार शेयर्स ये होते हैं? और स्टॉक्स ये अपना, इसके भी नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का SECP. समझो कि जो पार वैल्यू होती है आपकी, वो आपकी फेस वैल्यू ही होती है. जो ये स्क्रीन आपकी क्यों नहीं शेयर हो रही है जी, पार वैल्यू जो समझो कि शक्ल के ऊपर लिखी होती है ना, जैसे 10 रुपीज के ऊपर 10 का जो लिखा होता है वर्ड, दैट इज अ पार वैल्यू. उसके अंदर वाली कितनी वैल्यू है वो जब आप कोई चीज परचेज करने जाते हो ना, वो आपकी जब निकलती है तो उसको हम कहते हैं अलग से वैल्यू. एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू एक होती है, और जब हम कंपनी नाम में जाएंगे तब पढ़ेंगे पार वैल्यू. समझो कि यार उसकी जो फेस वैल्यू होती है ना, जो उसके ऊपर लिखी होती है, उस वैल्यू पर आपने देने के बाद, दैट इज कॉल्ड द पार वैल्यू, जिसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं. पार वैल्यू को वर्ड को हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, जो कि उसके ऊपर लिखी होती है. सर इसका मतलब है कि जो शेयर्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, तो हम उस पे मतलब उस पे डिपेंड नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जो उसके ऊपर मेंशन है उस वैल्यू के, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है. उससे अबव ले सकते हैं तो प्रॉफिट होता है, उससे नीचे लेंगे तो डिस्काउंट पे, कहते हैं ना एट प्रीमियम पे हम शेयर सेल करते हैं या एट डिस्काउंट रेट पर हम शेयर सेल करते हैं. डिस्काउंट रेट का मतलब है कि पार वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, उससे 2 रुपए लॉस में जाकर हम शेयर सेल कर रहे होते हैं लेस करके. फॉर एग्जाम्पल एक मैंने नेस्ले के शेयर मैंने परचेज कर लिए एट द रेट, एट द पार वैल्यू या एट द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच. फॉर एग्जाम्पल 50 मैंने शेयर परचेज किए, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ. 50 शेयर परचेज किए at the 10 par value. Par value mean face value. Each value share. कितने बन गए? 500 rupees के बन गए. अब क्या हुआ, मुझे आया सेल करने का टाइम.
मैंने कहा यार 25 इसमें शेयर कर देता हूँ। अब 25 जो शेयर सेल किए एट द रेट ऑफ 8 रुपीज ईच, तो हमेशा क्या होगा, पार वैल्यू कभी भी उसकी चेंज नहीं होगी। 2 रुपीज का आपने ईच शेयर पर लॉस किया या डिस्काउंट रेट पर आपने, उसकी 10 रुपीज वाली वो कभी चेंज नहीं हुई। इन शॉर्ट यू कैन से दैट यार 10 रुपीज जब मैं फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट लेने जाता हूँ, आज मेरे पास आती है 2 चॉकलेट, कल आती है 1 चॉकलेट, तो वो जो डिफरेंस है ना वो आप समझ लो कि यार लॉस है, या आपकी इसकी वैल्यू अंतर वाली जिसको हम कहते हैं ना कि यार महंगाई की वजह से ना पैसे की वर्थ गिर गई है, इसी को हम कहते हैं कि यार एक्चुअली उसकी वैल्यू कम हो गई है, पैसे की वर्थ कम हो गई, इसको हम कहते हैं कि यार कल 2 चॉकलेट आती थी और आज 1 चॉकलेट आती है। तो इसका क्या मतलब है कि यार इन्फ्लेशन बढ़ गई है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है, कि यार कल एक दो, इसकी वजह से है कि पैसे की वर्थ आपकी क्या हो गई, मार्केट में गिर गई है। गिरने का मतलब होता है कि यार चीजें कम आनी शुरू हो गई। तो पार वैल्यू का मतलब यह है कि पार वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, फ्लक्चुएशन जो होती है वो अंदर वाली दूसरी वैल्यू का होता है कि जिस पर आप डिस्काउंट रेट पर शेयर करते हैं। अगर यही मैं कहता हूँ कि यार मैंने ये शेयर सेल आउट किया है 12 पर, तो ऑब्वियसली 10 तो आपकी कॉस्ट थी, जो 2 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ क्लियर। चले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि आगे है पर्संस हु कैन परफॉर्म एंड डिमांड द परफॉर्मेंस, वो पर्संस जो कि परफॉर्म कर सकते हैं या जिनसे हम डिमांड कर सकते हैं कि यार भाई आप अपनी परफॉर्मेंस दो। क्या मतलब है, एग्जांपल मैं कोड कर, तो मैंने एक वो चीज सेल करनी है, परचेज ऑर्डर मेरे पास आ गया है, या मैंने चीज सेल कर दी उससे मैंने पैसे लेने हैं, तो मैं भाई क्या कर सकता हूँ, मैं उससे पैसे डिमांड कर सकता हूँ कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस दो, इट इज कॉल्ड द डिमांड परफॉर्मेंस। और वो पर्सन जो जिसने परफॉर्म करना होता है वो अगर हम पढ़ लेंगे, जिसकी हमने रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोमिसर, जिसने कि ऑफर करने वाले एक्सेप्टेंस करने वाले, एक्सेप्टेंस ने अपनी परफॉर्मेंस देनी, ऑफर करने वाले अपनी परफॉर्मेंस देनी। कहते हैं पर्सन हु कैन परफॉर्म कौन है, एक प्रोमिसर है या प्रोमिसर का एजेंट है, मतलब कि ऑफर करने वाला या उसका ऑथराइज कोई पर्सन होगा। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अ पर्सनल नेचर का हो, जिसमें एक पर्सन नेचर का हो कि यार मुझे स्पेसिफिकली इसी पर्सन से परफॉर्मेंस करवानी है, तब तो वही बंदा होगा, अदरवाइज उसका एजेंट काम नहीं होगा। इट वॉज एग्रीड दैट प्रोमिस विल बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, वो खुद करे, अगर वो खुद की डेथ हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, रिवॉक हो जाता है, मतलब कि कैंसिल हो जाता है, वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता है, इरिस्पेक्टिव एक्सेप्शन और ऑलवेज जाए अगर वो एग्री कर ले, लेकिन अदरवाइज जहां पर उसकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है तो वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट ही ऐसी होगी। यहाँ पर हमने कहा कि जहां पर प्रोमिसर खुद उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है, प्रोमिसर की परफॉर्मेंस पे ही चीजें डिपेंड करेंगी, तो वो कौन होगा, प्रोमिसर। देन सच प्रोमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर, को ही परफॉर्म करे, या अगर वहां पर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसका प्रोमिसर खुद या उसका एजेंट भी हो सकता है। इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज दैट द प्रोमिस कैन आइदर बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिस himself or any person, कोई भी उसका implied किया हुआ by him, then such contracts can be performed by the promisor himself or an agent, उसका hire किया हुआ representative, उसका hire किया हुआ नुमाइंदा, implied by him, जो कि उसने imply किया हो, लेकिन condition क्या है कि must be implied by the principal, must be implied by the promisor himself, उसके employment पे हो वो। इसी तरह लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हेड्स वाले जैसे आपके कंसल्टेंट होते हैं, वकील होते हैं, आपके बिहाफ पर जाके केस लड़ रहे होते हैं, जिस तरह आप समझ लो कि मुंशी हैं आपके वकीलों के जो होते हैं। अनलेस अ कॉन्ट्रेरियन टेंशन अपीयर्स, अनलेस अ कॉन्ट्रेरियन इसके बरस कोई ऑपरेशन नहीं आती और द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अ पर्सनल नेचर का अगर नहीं होता या डेथ ऑफ द प्रोमिसर नहीं होती, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगली केस के बिहाफ पर इसके बाद ये नुमाइंदा होगा, पेरेंट के बाद इसका बेटा होगा। यार अगर पेरेंट ने, अगर वालिद साहब ने किसी के पैसे देने हैं तो उसकी जगह पर मेरा कल को ये बेटा देगा, समझ लो कि गारंटी उसने दे दी है या नहीं भी दी है, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल हेयर्स लीगल वारसीन कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट।
कि यार मेरे कॉन्ट्रैक्ट को ये पूरा करेगा। आजम प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बाबर ऑन अ सर्टन डे ऑन पेमेंट ऑफ 1,000। आजम डाइज, मर जाता है बिफोर दैट डे। आजम का रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है बाउंड है टू डिलीवर द गुड्स टू बाबर एंड बाबर इज बाउंड टू पे 1,000 टू आजम्स रिप्रेजेंटेटिव, आजम के रिप्रेजेंटेटिव को। थर्ड पार्टी विद द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसी, प्रोमिसी के कंसेंट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म बाय द थर्ड पार्टी, भी कर सकती है। कैसे? व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स इनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। कैसे? कहते कमरान बारो करता है 2 लाख फ्रॉम बाबर एंड प्रोमिस करता है टू रीपे विद इन अ मंथ। अकमल द फादर ऑफ कमरान, कामरान का जो फादर है पे करता है 200,000 टू बाबर को। कामरान इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। किसी को थर्ड पार्टी का केस ना समझ में आया तो मुझे बताएं। सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजिंग है तो यहीं पर पूछ लें। अच्छा जी, आगे है ज्वाइंट प्रोमिसर। ऑब्वियसली मिलजुल कर, कहते हैं ना मिलकर परफॉर्मेंस देनी है। एक बंदा फॉर एग्जांपल एक बंदा कार बनाने के ऑर्डर आ गया, एक बंदा टायरों की कंपनी है, दूसरा किसी चीज में एक्सपर्ट है, चौथा किसी में एक्सपर्ट है, तो सारों ने मिलकर एक ज्वाइंट प्रोमिसर की परफॉर्मेंस देनी होती है। तो कहते हैं अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर इन केस ऑफ अ सेवरल प्रोमिसर द फॉलोइंग पर्सन मस्ट परफॉर्म देयर प्रोमिस। कैसे? All the promisors jointly in case of all promisors are alive, जिसमें सारे promisor live। Representative of the deceased promisor, इनमें से एक मर जाता है, उसका deceased कहते हैं मरने वाले को, promisor jointly जो के survival होंगे live होंगे उनके साथ मिलकर वो performance देगा in case of a death of any of the joint promisors। और representative of all them jointly in case of a death of all joint promisors, सारे अगर मर जाते हैं तो सारे होंगे मिलकर उसके representative देंगे। आगे है कि पर्सन हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस, कौन? प्रोमिसी कर सकता है। इट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली अ प्रोमिसी कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस। आजम ने प्रोमिस करता है कि बाबर टू पे द 10,000 टू आरिफ, इट इज ओनली बाबर हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस एंड नॉट आरिफ, वो आरिफ नहीं कर सकता। या प्रोमिसी का एजेंट ऑब्वियसली अंडरस्टूड से बात उसका, या तो रिप्रेजेंटेटिव करेगा जहां पर उसकी पर्सनल इंटेंशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो क्या हो, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द प्रोमिसी एंड परफॉर्मेंस कैन बी डिमांडेड बाय द प्रोमिसी एजेंट। पारिश प्रोमिसेस बाबर टू पे 10,000, इट वॉज एग्रीड बिटवीन पार्टीज दैट आजम द एजेंट ऑफ द बाबर इज ऑथराइज्ड टू डिमांड द पेमेंट। Either आजम और बाबर may demand the performance। इसी तरह legal representative की बात है कि अल्लाह से contrary intention appears from the contract or the contract is of a personal nature का हो, जहां में उसकी प्रोमिसर की खुद की involvement लाजमी हो। On the death of his promisee, his legal representative can demand performance। उसका जो legal heirs होंगे, legal वारसीन होंगे। और इसी तरह third party का तो already आप कर चुकी हैं, उसमें भी same होगा। It can also demand the performance of the contract in some exceptional cases, like beneficiary in case of a trust, or the person for whose benefit the provision is made in family arrangements. The Azam transfers property to Babar under trust of for the benefit of the Majid. Majid can demand the performance or a contract from Babar. इसी तरह ज्वाइंट प्रोमिसर ऊपर जैसे हम पढ़कर आए हैं, वहां पर मिलकर ज्वाइंट प्रोमिसर वो तीनों वही चीजें हैं यहाँ पर भी सेम एज इट इज है। कुछ रूल्स हैं परफॉर्मेंस ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर के लिए। ऊपर तक सबको क्लियर हुआ है? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग हो थोड़ी सी मैं स्पीड यहाँ पर ही लगे क्योंकि रिपीटेशन हो रही थी चीजों। सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो, कोई क्वेश्चन किसी का?
या कोई बोलता ही नहीं है ना कोई मैसेज में बताता है, फिर वो हम कल भी हमने पढ़ी थी ना कि साइलेंस कैन स्पीक ट्रुथ, वो कहते हैं ना खामोशी की जुबान फिर हाँ ही होती है। अच्छा सिर्फ अनीस आपको क्लियर, अच्छा आप सारे मैसेज कर रहे हैं भाई, सबको क्लियर है, चलें जी हम मान लेते हैं कि सबको क्लियर हो गया। इसको कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग, कहते हैं एक चीज पर अंडरस्टूड, कहते हैं एक चीज पर बेस करके मैंने सारी चीजों ग्रुप को ना या तो अच्छा कह दिया या बुरा कह दिया। बिजनेस मैनेजमेंट के टर्म में इसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। खैर एनीवेज आगे हैं कुछ रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ज्वाइंट प्रॉमिस, क्या है ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसार, या तो मिलकर मतलब कि कौन को लायबल होगा अगर कोई ब्रीच करता है कोई परफॉर्म नहीं करता तो वो सेवरली अलग अलग सारे लायबल होंगे या ज्वाइंटली। कहता व्हेन टू और मोर पर्सन मेक अ ज्वाइंट प्रॉमिस, इकट्ठे मिलकर प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस मे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी कंपेल करता है मजबूर करता है एनी वन और मोर ऑफ सच ज्वाइंट प्रोमिसार टू परफॉर्म द होल द प्रॉमिस। एग्जाम्पल हम कोट कर लेते हैं कि आजम बाबर एंड सकलैन ज्वाइंटली प्रॉमिस करते हैं टू पे दावर को 3000, दावर मे कंपेल आइदर आजम बाबर या सकलैन टू पे हिम 3000, वो किसी को भी आइदर किसी भी एक को भी कंपेल कर सकता है क्योंकि उन्होंने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया। और राइट टू क्लेम द कंट्रीब्यूशन मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सकलैन ने अगर 3000 रुपए दे दिए वो जाहिर बात है बाबर और आजम से पहले इकट्ठे करेगा पैसे, दैट इज कॉल्ड द राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। कहते हैं ईच ऑफ टू और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर मे कंपेल एवरी अदर ज्वाइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस अनलेस अ कंट्रेरियन टेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कि आजम बाबर एंड सकलैन ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे बाबर अ सम ऑफ 3000, सकलैन इज कंपेल्ड टू पे द होल, आजम इज इंसॉल्वेंट हो गया बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट, उसके जो पास जो सरमाया था इतना था कि वो पे कर सके या वन हाफ ऑफ हिज डेट, सकलैन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 500 फ्रॉम आजम स्टेट कि आजम की प्रॉपर्टी से और 1250 जो फ्रॉम बाबर से। अजान हो जाए यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अजान हो जाए देन विल कंटिन्यू। जी स्टूडेंट्स अनीस से फर्स्ट डे पे मैंने आपके साथ ना प्लान शेयर किया हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से किस किस पोर्शन में से कितना आएगा,
वही चैप्टर के बुक के स्टार्ट में भी दिया हुआ वैसे. ऑब्वियसली 50% है पार्टनरशिप है इसमें सेल ऑफ गुड्स है, 50% इसमें से है और आपका बाकी कंपनी एक्ट में से है. नेक्स्ट वन पार्ट है कि शेयरिंग ऑफ लॉस इन कंट्रीब्यूशन. कहते हैं इफ एनी वन ऑफ टू और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर मेक्स डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट करता है इनकार कर देता है द रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस. ऑब्वियसली वो बेयर करेंगे राइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर्स. ऑब्वियसली सारे लायबल थे ना. आजम बाबर एंड सकलैन आर अंडर अ ज्वाइंट प्रॉमिस टू पे द डावर 3000. सकलैन इज अनेबल टू पे एनीथिंग. तो आजम में जाहिर बात है उसका जो पार्ट था 5500 दोनों को 1500 पे करने पड़ेंगे. इस तरह रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर कहते वेयर टू और मोर पर्संस हैव मेड अ ज्वाइंट प्रॉमिस और रिलीज ऑफ वन ऑफ सच ज्वाइंट प्रोमिसर बाय द प्रोमिसी. प्रोमिसी खुद से उसको एक को रिलीज कर दे कि डज नॉट डिस्चार्ज द अदर. लेकिन इसका मतलब है कि वो दूसरों को भी डिस्चार्ज करे या ज्वाइंट प्रोमिसर. नाइदर डज इट फ्री द ज्वाइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर ज्वाइंट प्रोमिसर और ज्वाइंट प्रोमिसर. कैसे एग्जाम्पल हम कोट करने कि आजम बाबर एंड सकलैन ने उसको पे करने दावर रिलीज आजम. दावर ने खुद ही आजम को फ्रॉम हिज लायबिलिटी एंड सूज बाबर एंड सकलैन फॉर द पेमेंट. हियर नाइदर बाबर एंड सकलैन आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर लायबिलिटी टू दावर नॉर इज आजम रिलीज फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू बाबर एंड सकलैन. के आजम को दावर की तरफ से छूट मिल गई है लेकिन सकलैन और बाबर के लिए तो नाउ सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? अब तो डिस्टॉर्शन नहीं है कोई. आप सबको आवाज आ रही है अब? अच्छा तो दोबारा रिपीट कर देता हूं. डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट्स. इसमें लिखा है व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन ज्वाइंटली, मिलकर करते हैं तो कोई और कंडीशन अगर इसके बरक्स नहीं आती तो फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट. क्लेम कर सकते हैं वो रेस्ट ऑफ से कि एज बिटवीन उसके दरमियान में या बाकियों से विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स, या तो उनकी सारों के जॉइंट लाइव हो या अगर एक पर्सन कोई मर जाए उसके बाद उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ
विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स के साथ, जिसे हमने पढ़ी थी, या जॉइंटली वो लाइबल होगा या उसका ऑथोराइज पर्सन, इनके साथ जो जिंदा है उनके साथ, या जितने अगर बंदे सारे मर गए हों तो उनके सारों के रिप्रेजेंटेटिव आपस में, कि आजम इन कंसीडरेशन ऑफ 5000 लेंट टू हिम बाय बाबर सकलैन प्रोमिसेस बाबर एंड सकलैन जॉइंटली टू रिपे देम दैट सम विद द इंटरेस्ट वन डे स्पेसिफाइड। बाबर डाइस हो जाता है तो राइट टू क्लेम फ्रॉम परफॉर्मेंस रेस्ट विद बाबर्स रिप्रेजेंटेटिव, बाबर का बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे करेंगे, जॉइंटली विद सकलैन के साथ मिलकर ड्यूरिंग सकलैन लाइफ, जब तक सकलैन जिंदा है। अब सकलैन भी मर गया तो उसका भी वो आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, तो बाबर और सकलैन दोनों के जॉइंटली जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फिर दोनों क्लेम राइट करेंगे। ये नीचे सारी डेवोल्यूशन की हर एक टॉपिक की उसकी एग्जाम्पल कोड की गई है स्टूडेंट। यहाँ पर हम पॉसिबल है तो बल्कि हम 5:15 में नमाज का एक ब्रेक लेते हैं, इससे पहले हम ये थोड़ा सा टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, टाइम प्लेस वाला, टाइम प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अभी मैंने बताया कि यार टाइम इंपॉर्टेंट है, प्लेस इंपॉर्टेंट होगा, जो इंटायरली डिमांड करेंगे परफॉर्मेंस के साथ। टाइम प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कैसे, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में डिपेंड कर दिया कि यार इस टाइम पर और इस प्लेस पर मुझे डिलीवरी चाहिए, देन ऑब्वियसली आपको उसी टाइम एंड प्लेस में डिलीवरी होगी। अदरवाइज अगर नहीं पर टाइम मेंशन है तो आपका रीजनेबल टाइम रीजनेबल प्लेस होगी ड्यूरिंग द बिजनेस आवर ड्यूरिंग द बिजनेस प्लेस लाइक दैट, जिसमें है कि प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रोमिसी, प्रोमिसी ने प्रिस्क्राइब कर दिया, बता दिया या उसको अलाउ करवा दिया। वेयर द टाइम मैनर एंड प्लेस आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोमिसी, द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एट द स्पेसिफाइड टाइम मैनर एंड प्लेस। जहां पर टाइम मैनर और प्रिस्क्राइब कर दी प्रोमिसी ने, द परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी उसी स्पेसिफाइड टाइम के मुताबिक होना चाहिए, टाइम एंड प्लेस और परफॉर्मेंस के मुताबिक, जहां पर उसने बता दिया। ऐसे नीचे हम एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं कि आजम ने डिजायर करता है बाबर हु ओज हिम 100 rupees टू सेंड हिम अ चेक 2 rupees 100 बाय पोस्ट, पोस्ट के साथ द डेट इज डिस्चार्ज एज सून एज बाबर पोस्ट करता है लेटर को कंटेनिंग द चेक, उसमें डालकर ड्यूरी एड्रेस जो कि आजम ने बताया, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जिसमें ना प्रिस्क्राइब की जाए सिंपल इज दैट, फिर क्या होगा, रीजनेबल टाइम और रीजनेबल प्लेस होगी उसके अंदर, वो पहले ही हम बता चुके हैं। जैसे बिजनेस आवर्स एक रीजनेबल प्लेस, बिजनेस प्लेस रीजनेबल, एक जजमेंटल आपकी वो वेरी करती है, आपको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो उसने पहले ही बता दिया कि यार इन पर्टिकुलर केस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इसी तरह एट प्रॉपर प्लेस विद इन अ रीजनेबल टाइम, इसका आई थिंक लैबोरेट करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं आजम एग्रीड टू डिलीवर राइस टू बाबर ऑन 1 June बट नो प्लेस वॉज फिक्स फॉर द डिलीवरी, प्लेस फिक्स नहीं की, तो आजम मस्ट आस्क फॉर द प्लेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द राइस, या तो पूछेगा या वो बिजनेस प्लेस पर जो रीजनेबल है उसकी जगह पहुंचा देगा। इधर व्हेन टाइम इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोमिसी द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑन अ वर्किंग डे एंड विद द यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस। द क्वेश्चन व्हाट इज द रीजनेबल टाइम इन द पर्टिकुलर एज यू नो ऑलरेडी आर द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और वेयर अ प्लेस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म at proper place, जैसे like warehouse, shop, not a public meeting. The question, what is the proper time and place? वही same generally the question of fact. Next one है कि effect of failure to perform within a stipulated time, अगर वो नहीं कर सकता, जहां पर हमने time specify किया था, time is the main vital play role कर रहा था, तो obviously उसमें तो depend करेगा आपका कि यार टाइम के बगैर तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मींस, एसेंस मतलब कि एसेंशियल पार्ट है, लाजमी है, यहाँ पर नेसेसरी है फॉर द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस विद इन अ स्टिपुलेटेड स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि द वेयर अ पार्टीज हैव एक्सप्रेसली एग्रीड कर लेते हैं टू ट्रीट द टाइम इज द, जहाँ पर टाइम इज द इम्पोर्टेंट, और वेयर द नेचर एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज are such that performance with a limited time were necessary. तो क्या होगा, in the following cases time is considered to be the essence part of, in जो cases में है time is essential part. तो even
where a time is specified to the performance of the certain promise, time may not be of the essence of the contract and above factors should be considered. Example, हम कोड कर लेते हैं कि Adil ordered yum bakers for a birthday cake to be delivered on 22nd February. The nature of transition clearly indicates that the time is the essence of the contract. कहते हैं कि यार बस मुझे जाहिर बात है बर्थडे मेरी आज है, मैं बनाऊ 10 दिन बाद, तो यहाँ पर टाइम एक इम्पोर्टेंट केस लग रहा है कि यार मुझे आज ही के दिन 22 फरवरी को मेरी बर्थडे, तो 22 फरवरी को ही केक चाहिए होगा ऑब्वियसली. यहाँ पर हम अंडरस्टूड है कि टाइम इज द कम्प्लीमेंट, टाइम इज एसेंस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर टाइम यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बिकम्स वाइडेबल बन जाएगा, या तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या उसको मैं रिसेंड करूंगा. सिंपल इज दैट, राइट, द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिस. और इन केस ऑफ अ डिलेड परफॉर्मेंस अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो परफॉर्म प्रॉमिस क्या होगा, इज नॉट इंटैक्ट, तो फिर आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते. आपने एग्री कर लिया, सीधी सी बात है, फिर उसके केस में आप सू वगैरह नहीं कर सकते कि एनी लॉस कॉज बाय द डिले, मुझे ये लॉस हो गया डिले के साथ ये वो, अनलेस द प्रॉमिस गिव द नोटिस टू द प्रोमिसर ऑफ द हिज इंटेंशन टू क्लेम द कंपनसेशन, ऑल्दो वो आपस में एग्री ना कर. और जहां पर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इनकेस ऑफ अ परफॉर्मेंस इज नॉट मेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, या परफॉर्मेंस के टाइम के साथ नहीं है और टाइम आपका लाजमी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल, फिर वहां पर वाइडेबल नहीं होगा एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी, अनलेस द डिले इन द परफॉर्मेंस इज ऑल्सो द बियॉन्ड द रीजनेबल टाइम से वो दूर निकलता है. यार ठीक है 22 फरवरी को था ना, दिन में नहीं दिया, चलो ठीक है शाम को दे दिया, एक रीजनेबल टाइम से भी बाउंड्री से बाहर निकलता है, तो वो क्या होगा, इनकेस ऑफ अ डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्टेड, जाहिर बात है फिर वो क्या होगा, वाइडेबल नहीं होगा, ऑल्दो क्यों डिले हो जो परफॉर्मेंस भी है वो रीजनेबल टाइम से भी बाहर निकल जाए. द प्रॉमिस इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन, ये ऊपर वाली ही चीज है जो आप यहाँ पढ़ कर आए, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो नहीं कर सकता. कि आजम प्रॉमिसेस टू डिलीवर अ कार टू बाबर ऑन 1st मई, आजम डिलीवरी 9th मई, बाबर विल हैव टू एक्सेप्ट द डिलीवरी, बाबर कैन क्लेम डैमेजेस ओनली इफ गिव्स द प्रॉपर नोटिस, अगर वो दे तब वो कर सकता है. और इस तरह महत प्रॉमिसेस टू सप्लाई ब्रिक्स टू नदीम ऑन 4th मई, महत डिलीवर ऑन 8th मई. अब नदीम एक्सेप्ट करता है डिलेड डिलीवरी को, लेटर नदीम कैन नॉट क्लेम डैमेजेस. ये दोबारा उसी को एलैबोरेट किया गया है. यहाँ पर स्टूडेंट हम नमाज की ब्रेक लेते हैं, आफ्टर 5 मिनट्स इट विल राइट बैक, हम इंशाल्लाह 5:22 पे दोबारा इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे.
अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हम थे, सबको आवाज में निकले आ रही है? चलो ठीक है, थैंक यू। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस की। रेसिप्रोकल नाम से भी जाहिर होता है कि यार जो उलट होता है प्रॉमिसेस की, कहते प्रॉमिसेस व्हिच फॉर्म द कंसीडरेशन, जो कि कंसीडरेशन परफॉर्म की रहती है, पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का आई थिंक मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं है, कंसीडरेशन का हम बड़ा लेंथी चैप्टर पढ़ चुके हैं। कंसीडरेशन क्या है, प्रोमिसार के लिए एक्सेप्टेंस वाले की तरफ से जो कंसीडरेशन होते हैं, जो आपस में उन्होंने परफॉर्मेंस देनी होती है उसके रेसिप्रोकल में, वो उसको कंसीडरेशन कहा जाता है। फॉर ईच अदर आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कि यार वो प्रॉमिस जो कि कंसीडरेशन को क्रिएट करने की वजह बनती है या पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन आपस में, दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस। कि यार मैंने आपको सेल करने है, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है, अल्टीमेटली वो कंसीडरेशन है, और आपने मुझे पैसे देने हैं, वो उसकी तरफ से कंसीडरेशन आ जाती है, उसकी तरफ से प्रॉमिस आ जाते हैं कि यार मुझे आप चीज दो, मैं आपको पैसे दूंगा, दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। मीनिंग हम बात करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसे नीचे सेल वाली वही एग्जांपल कोट कर दिया जैसे मैंने अभी बताई थी, एट अ फिक्स्ड प्राइस एंड प्रॉपर प्रॉमिसेस टू गिव प्रॉमिस फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस, सच प्रॉमिसेस आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैव द फॉलोइंग टाइप्स, आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स हैं उसके, लाइक म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। When the promises are to be performed by each party independently, अपना अपना परफॉर्म करती है without waiting, दूसरे का इंतजार किए बगैर, is called, कहता पार्टी टू परफॉर्म इज कॉल्ड द म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली क्या रिक्वायर्ड जरूर होती है, सारों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्या अपनी अपनी जगह पर वो इंडिपेंडेंसी शो करते हुए वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंटली अपने आप को परफॉर्म करके देते हैं, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस या प्रॉमिस। म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती हैं, व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी डिपेंड्स ऑन द प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी, कि यार पहले से उसने पार्टी परफॉर्म करके दी तो उसके बाद ही ये स्टेप उठाया जा सकता है। म्यूचुअल होती है लेकिन डिपेंड कर रही होती है प्रीवियस के परफॉर्मेंस पर, लाइक आजम एग्रीड टू बिल्ड अ हाउस फॉर बाबर ऑफ अ फिक्स्ड प्राइस टू बी पेड आफ्टर द हाउस इज बिल्ट। आजम ने प्रॉमिस करता है टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर द बाबर्स प्रॉमिस टू पे फॉर इट। लाइक हम कहते हैं कि यार घर बनेगा तो पेंट होगा ना, पहले वाले की डिपेंड कर रही होती है उसकी परफॉर्मेंस पर, इट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। नेक्स्ट होने के म्यूचुअल एंड कंकरेंट के साइमल्टेनियसली जिसको हम कहते हैं, व्हेन द प्रोमिसर आर टू परफॉर्म साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एंड कंकरेंट। Like Azam agreed to deliver the goods at a price to be paid by the Babars on delivery, so like cash on delivery ki baat hoti hai. Azam need not to deliver goods unless Babar is ready to pay the price, and Babar need not to pay unless Azam is ready to deliver goods and payment. Simultaneously performance ki agar hum baat kare to kya, when a contract consists of a reciprocal promises ki jisse humne upar baat ki hai, reciprocal promises to be simultaneously performed agar humne karni ho at the same time par back waqt par, the promisor need not to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. Example hum quote kar lete hain ki Azam and Babar contract karte hain, Azam shall deliver goods to Babar to be paid for by Babar on delivery par. Azam need not deliver the goods, zarurat nahi hai, unless the Babar is ready otherwise and willing to pay for the goods on delivery. Agar wo agree nahi hai, willing nahi hai pay karne ke liye goods on delivery ko, usko koi zarurat nahi hai deliver karne ki. Babar need not to pay for the goods unless, aur Babar ko zarurat nahi hai jab tak wo as in ready na ho delivery goods karne ke liye, that is called the simultaneous performance. Koi person mujhe batayega ki simultaneous performance and म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रॉमिस में क्या फर्क है, किसी को कोई आइडिया हुआ है? जी मायर हसन, मंसूर, राणा फैसल, कोई पर्सन मुझे डिफरेंस लैबोरेट कर सकता है या शॉर्ट फॉर्म में कि क्या डिफरेंस है म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रॉमिस एंड साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस में? जी इजा, निदा,
ये मैं क्या समझूं, मतलब कि क्लियर नहीं हुआ आपको या डिफरेंस बता नहीं पा रहे हैं? यार अपनी आउटपुट तो दिया करें, जो कुछ भी है गलत है सही है अपनी आउटपुट जरूर दिया करें। डिपेंडेंट अपॉन द समथिंग, अपॉन समथिंग, समथिंग तो दोनों में है ऑब्वियसली। देखिए म्यूचुअल एंड कंकरेंट वहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोमिसेस की जो कि परफॉर्म्ड होने हैं अभी साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली परफॉर्म का मतलब है प्रॉमिस हो चुका है लेकिन परफॉर्मेंस साइमल्टेनियसली आपने परफॉर्म करनी है एट द सेम टाइम पर। दैट इज द टिपिकल एंड शॉर्ट डिफरेंस। वहां पर प्रॉमिस हो रहा है अभी और यहां पर परफॉर्मेंस होनी है। हम परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं कंकरेंट, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एंड कंकरेंट। वहां पर हम परफॉर्म करने के लिए हमने एग्री किया हुआ था पहले से, अब हम परफॉर्म कर रहे हैं साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस देने के लिए। नाउ ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं कि वेयर द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड, बता के लिख के एक्सप्रेस करके इजहार करके फिक्स किया हो बाय द कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, दे मस्ट बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर। जिस ऑर्डर के लिए उसने किया हो उसी ऑर्डर में परफॉर्म होने चाहिए। एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली, जहां पर एक्सप्रेसली फिक्स ना किया हो कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि ये टाइम है, सब कुछ फिक्स ना किया हो, टाइम शाइम लैब्स वगैरह प्लेस वगैरह, तो वहां पर इन ऑर्डर कहाँ पर होगा? वहां पर फिर ट्रांजेक्शन फिर रिक्वायर्ड होती है कि दे मस्ट बी परफॉर्म इन ऑर्डर वेयर द नेचर जहां पर कहती है रिक्वायर्ड है कि आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट दैट आजम शेल बिल्ड अ हाउस फॉर बाबर एट अ फिक्स प्राइस। आजम प्रॉमिस करता है टू बिल्ड द हाउस, मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बाबर प्रॉमिस टू पे फॉर इट, प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस। कहता है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस एंड वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट करती है द अदर को फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, कि भाई आप परफॉर्मेंस ना दो अपनी अपने प्रॉमिस की, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, दबाव किसी फॉर्म में इन्फ्लुएंस की वजह से किसी भी फॉर्म में उसको कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी, सो प्रिवेंटेड, जिसको रोका जा रहा है। एंड ही इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस व्हिच ही मे सस्टेन इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आजम एंड बाबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाबर शैल एग्जीक्यूट सर्टन वर्क, अपनी तरफ से एक तरफ से वो परफॉर्मेंस कर दिया क्या यार 1000 रुपीज में, बाबर इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट, अपना जो काम है वो करने के लिए तैयार है अकॉर्डिंगली, लेकिन बाबर क्या करता है? प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है ये काम करने से। जैसे हमने एक पिज्जा की डिलीवरी मंगवाई है, हमने ऑफर कर दिया, हमें पता है कि यार आधे घंटे में डिलीवर अगर इसकी ना हुई तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलेगी डिलीवरी, तो हम जान बूझ के या तो ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं उसको ट्रैफिक में, कहीं ना कहीं जान बूझ के रोका जाता है तो क्या है? बस फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाए। तो क्या है ये, हम किसी को प्रिवेंट नहीं कर सकते, ये वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा। नॉन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ अ म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, इस केस में क्या होगा? नॉन परफॉर्मेंस अगर दी जाए, मतलब कि जहां पर साइमल्टेनियसली प्रॉमिस की हमने बात की थी, कि द वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी डिपेंड्स ऑन द प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी, पर जब डिपेंड कर रहा हो एंड द पार्टी हु इज लाइबल टू परफॉर्म फर्स्ट, जिसकी लाइबिलिटी हो पहले परफॉर्म करने की, उसको करना कंपल्सरी हो और वो फेल हो जाए, तो सच पार्टी कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस अदर, अगले बंदे से हम उसकी परफॉर्मेंस उसकी काम लेने से लिए हम मजाज नहीं होंगे कि भाई आप तो परफॉर्म करो, नहीं, जब डिपेंड ही उसी पे कर रही है कि पहले की परफॉर्मेंस पे, प्रायर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही है, उसी वही फेल हो गया है तो हम दूसरे से हम डिमांड भी नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड द नॉन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ अ म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इस तरह प्रॉमिस टू डू लीगल एंड इलीगल थिंग्स, किसी को लीगल काम करने के लिए, इलीगल थिंग्स करने के लिए क्या होगा? वेयर अ पर्सन रेसिप्रोकल प्रॉमिस firstly to do certain things which are legal, जो के lawful हो, जो के सही हो, कानून के मुताबिक ठीक हो। second जो हो under specified circumstances हो, to do certain other things which are illegal हो, जो के गैर कानूनी हो, तो जो first set of promises होगा वो contract कहलाएगा, but the second is the void agreement कहलाएगा। understood है? और यहाँ पर कोई मुझे आइडिया बताएगा, अगर वो separable ना हो legal हो और illegal things से, तो क्या एग्रीमेंट वाइड होगा या वैलिड होगा? एनी वन पर्सन स्पीडी मुझे बताएं। जी इजा, अगर उसका पार्शली लीगल हो और इलीगल हो और सेपरेबल ना कर सके आप, तो एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड होगा या वैलिड होगा? गुड, वाइड होगा ओवरऑल। जहां पर हम सेपरेबल कर सके तो उसका जो पार्ट होगा वो लीगल होगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो
इलीगल होगा, उसके अगेंस्ट में वाइड हो जाएगा, और जो वैलिड होगा वो लीगल वाला पार्ट हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स वही द्वारा नीचे एलैबोरेट किए गए हैं। अच्छा, सेकंड में आ जाते हैं, असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट्स इन शॉर्ट, पार्शली जिसके हमने पेमेंट की बात की, पार्शली डिलीवर हो चुका है, एडवांस डिलीवर हो चुका है, इस तरह की असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करेंगे? एक तो असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट को हम कैसे सेपरेबल करेंगे? असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ट्रांसफर ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, असाइनमेंट मीन्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ट्रांसफर ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज टू द थर्ड पार्टी। सर यहां पर एक सेकेंड वेट कीजिएगा, पॉज लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओहो सर सॉरी, वो अपलोड हुई है, सेंड पे बटन पे क्लिक करना मेरी जहन से निकल गया, मैं भी करता हूँ, मैं उसी पे कर देता हूँ, मैं अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ, हाँ रिप्लाई कर देता हूँ मैं भी। ओके ओके स्टूडेंट, सॉरी, assignment of the contract, कहते हैं assignment of the contract means transfer of the contractual rights and liabilities, liabilities मतलब उसकी जिम्मेदारियां, जो obligations हैं, rights उसके हक जो हैं, आपस में जो transfer होते हैं to the third party पे, assignment of a contract may take place in the following case। normally जिस तरह एक assignment लेते हैं हम, जिस तरह मैं भी आपको assignments देता हूँ, उस केस में मैं क्या करता हूँ, transfer ही कर रहे होते हैं ना contractual rights and liabilities वगैरह छोटी मोटी चीजें, नीचे हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मजीद elaborate हो जाएगा। Assignment by act of parties, assignment by act of parties take place when the parties to a contract themselves make the assignment, such an assignment is subject to the following rules। क्या है कि assignment by act of parties, parties के act करने पर, काम करने पर take place होती हो, when the parties to a contract, जब parties to a contract की जो parties हैं, जो कि assignment बनती हैं उनकी। खैर नीचे हम थोड़ा सा elaborate कर लेते हैं rules इसके। If it is a contractual obligation rights involving personal skill, जहां पर उसकी, for example, एक मैंने मकान बनाने के लिए किसी को ठेके पर दे दिया, फिर इसमें हमने बात की कुछ rules and regulations हैं, जहां पर किसी person की personally involvement, उसकी personal skill required होगी, तो दूसरे को वहां पर वो काम assigned नहीं हो सकता, transfer नहीं हो सकता, किसी को हम delegate नहीं कर सकते, क्यों? उसमें पर्सनल स्किल, उसकी बंदे की पर्सनी तौर पर, पर्सनी हिमसेल्फ, उसकी स्किल्स चाहिए हमें। इसी तरह इफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली हमने बता दिया या इंप्लाइडली हमने प्रोवाइड कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर ओनली, सिर्फ प्रोमिसर खुद करें, तो सच ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी सेंड, ये भी डेलीगेट नहीं हो सकते, असाइन नहीं हो सकते अगले पर्सन पर। इफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली प्रोवाइड अगर नहीं करता, और द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर ओनली, अगर हमने बताया भी नहीं है, प्राइडली नहीं बताया, किसी भी तरीके से नहीं बताया कि यार प्रोमिसर उसकी खुद परफॉर्मेंस होगी, देन द प्रोमिसर या उसका रिप्रेजेंटेटिव इम्प्लाई कर सकता है, मे इम्प्लाई या कॉम्पिटेंट पर्सन वो इम्प्लाई कर सकता है टू अ परफॉर्मेंस, कि उसकी जो जिम्मेदारी है, या इवन देन द प्रोमिसर रिमेन्स लाइबल। लेकिन लाइबल कौन होगा? वो पर्सनी तौर पर खुद। अगर मैं किसी पर्सन को इम्प्लाई भी कर लूँ, देखें रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं होती है, पावर डेलीगेट हो सकती है। पावर को हम डेलीगेट कर सकते हैं कि यार मेरी जगह पर ये अथॉराइज्ड सिग्नेटरी ये करेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कभी भी डेलीगेट नहीं, रिस्पॉन्सिबल वही पर्सन होगा हमेशा। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनवाइल चलती है हमेशा, साइमल्टेनियस चलती है। मेरी जगह पर कोई और टीचर आकर पढ़ा सकता है, ठीक है, क्या कोई और मेरा रिप्रेजेंटेटिव आकर पढ़ा सकता है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो स्टूडेंट को फॉर एग्जाम्पल मार दे, कोई को स्लैब वगैरह कर दे, कोई भी बेट वगैरह करे कोई भी, तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा उसके प्रिंसिपल पे ही रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साइमल्टेनियसली चलती है, पावर डेलीगेट हो सकती है दूसरे पर्सन पर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती। बाई नोवेशन द प्रोमिसर मे ट्रांसफर हिज लायबिलिटी टू अ थर्ड पार्टी With the consent of the promisee, लेकिन उसकी रजामंदी के साथ वो ट्रांसफर कर सकता है। एजेंट मीन्स, देखो उसका authorized representative,
जो उसको मतलब कहते हैं ना कि अथॉरिटी दे दी जाती है, पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसका मुख्तार नामा दे दिया जाता है, उसको हम कहते हैं एजेंट। एजेंट का आगे हमारे पास चैप्टर भी आएगा एक, वहां पर हम क्लियरली कट पढ़ेंगे हम क्या उसका अपना एजेंट का क्या मतलब होता है। अच्छा अनीस आप पूछ रहे हैं नोवेशन, नोवेशन को आप आप कह सकते हैं कि यार टू रिप्लेस करना, के ओल्ड ऑब्लिगेशन हो उसको फॉर्म करना, उसको कन्वर्ट करना। कहते हैं बाई इनोवेशन द प्रोमिसर अपनी ओल्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है ट्रांसफर कर सकती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी किसी थर्ड पार्टी पर, लेकिन क्या होगा अपने बताए गए प्रोमिस जी की जिसके लिए हम प्रोमिस कर रहे हैं उसकी कंसेंट लाजमी चाहिए, उसकी रजामंदी हमें लेनी होगी क्या मेरी जगह पर ये काम करेगा, उसकी रजामंदी हमें फिर जरूर लेनी पड़ती है। इस तरह एक्शनेबल क्लेम्स की हम बात करते हैं कि क्लेम टू एनी डेट टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, इन मूवेबल प्रॉपर्टी कैन ऑलवेज बी असाइंड, हम कर सकते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। जिस तरह एक विल होती है, विल पावर होती है, नोटिस ऑफ सच असाइनमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव इन अ डेटर। जिस तरह डेटर के केस में ये हम परफॉर्मेंस लेते हैं कि यार एक्शनेबल क्लेम्स है क्लेम्स टू एनी डेट, कि यार मेरी जगह पर ये ले लेगा आपसे, मेरी जगह पर ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट होगा मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, वो हम ऑलवेज असाइंड कर सकते हैं, कोई इसमें कोई शिक वगैरह नहीं है। असाइनमेंट ऑफ द पार्टीज किसी को क्लियर, सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क। इसी तरह ये है असाइनमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्टीज की वजह से, और लॉ के बिहाफ पर क्या करते हैं कि इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ एनी पार्टी द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अदर देन दोज ऑफ द पर्सनल नेचर, अगर किसी पर्सनल नेचर इन्वॉल्व नहीं है तो वो डिसीज पार्टी पास कर सकती है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, फॉर एग्जाम्पल वालिद के बाद उसका बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा। तो क्या है इसमें लॉ की बात है कि अगर किसी की डेथ अगर हो जाती है तो यहाँ पर हमारी कंप्लीमेंट्री नहीं है तो उसके लीगल हेयर्स पर ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्रांसफर हो जाती है। और इन केस ऑफ इनसॉल्वेंसी उसका ऑब्वियसली है कि ऑफिशियल रिसीवर और जानी बना दिया जाता है, लॉ में उसको डिफाइंड कर दिया जाता है कि यार इसकी जगह पर ये होगा, अदर देन दोज ऑफ द पर्सनल नेचर अगर नहीं है तो इंसॉल्वेंट पार्टी के पास होगा, उसको ऑफिशियल जो ऑफिशियल मतलब कि लॉ जो कोर्ट वो डिजाइन करेगी रिसीवर का, जानी केस के बिहाफ पर ये रिसीव करेगा। नीचे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं कि साजिद ओज माजिद 1 लाख, माजिद गोज बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट कहते हैं दिवालिया को, इंसॉल्वेंसी को। The official assignee of the majid may recover the amount from Sajid. उसको official assignee वो से recover कर सकता है। इस तरह assignment of the contract वही चीजें define की गई हैं। आगे आगे अगर proportion of the payment, proportion of the payment means allocation of payment to a particular debt. Various rules regarding the proportion of payment are given below. कहते हैं debt to be discharged is indicated. कैसे? कि where a debtor owing several distinct debt, several different तरीके से हो, एक ही person को different part में उसने loan वगैरह दिया हो या debt हो किसी भी form में, makes a payment to him with either express या implied intimation that the payment to be applied to the discharge of some particular debt, जहाँ पर वो बता दे, for example मैंने एक बंदे के चार different चीजों के या चार different sales के credit sales के मैंने debt दे दिए, तो अगर वो बता दे यार मेरा ये डेट डिस्चार्ज कर दो, इंटीमेट करे, और अगर वो द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड कर ले तो मस्ट बी अप्लाइड, उसी तरह करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक से मैंने लिया कुछ चिकन ले लिया, दूसरे से मैंने उधार ले लिया मसाला जात ले लिए, तीसरे की उसी सेम पर्सन की तीनों पर्सन डिलीवरीज वो कर रहा है मैनेज, तो एक ही पर्सन से मैंने चार चीजें उधारी ली, और मैंने पेमेंट जब देते टाइम में बताया कि यार ये इसकी चिकन के वाली की पेमेंट क्लियर कर लो, ये एक मसाला जात की पेमेंट क्लियर, और बाकी मैं आपको दे दूंगा, तो वो आपको उसी तरह पेमेंट जो है उन दोनों जो डेट थी डेट की उसी की क्लियर करनी पड़ेगी, जहां पर इंडिकेट कर दिया जाए, जहां पर इंडिकेट ना करे तो फिर जाहिर बात है आपके पर्सनल नेचर पर डिपेंड करो कि कौन सा जो सबसे पहला डेट होगा उसी को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। जहां पर इंडिकेट ना किया जाए तो क्या होगा, द क्रेडिटर जो होगा लेने वाला होगा ऑप्शन होता है उसके ऑप्शन पर कि वो किसी भी लॉफुल डेट को फ्रॉम द डेटर इवन इट इज अ टाइम बार्ड भी अगर हो जाए तो वो ही कैन नॉट अप्लाई द पेमेंट टू द डिस्प्यूट डेट। रेलेवेंट सेक्शन 6B, relevant 10 after.
कि आजम ऑज सेवरल डेट्स टू द बाबर, वन ऑफ देम ऑफ रुपीज 100,000 इज अ टर्म बार्ड हो गया. आजम ने सेंड किया 200,000 टू द बाबर विदाउट इंडिकेटिंग, इंडिकेट इसमें नहीं किया कि कौन सा अप्रोप्रिएटेड करना है, कौन सा नलीफाई करना है. तो बाबर मे अप्रोप्रिएट द 100,000 अगेंस्ट द टाइम बार डेट, वो कर सकता है. अगर वो यहां पर इंडिकेट कर देता तो वो ना करता. नाइदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन, अगर वो अप्रोप्रिएशन नहीं होती, द पार्टी शेल बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ द डेट इन ऑर्डर टू टाइम वेदर और नॉट दे आर टाइम बार्ड, अगर वो टाइम बार्ड है या नहीं है. In other words, all the payment shall be applied towards the payment of the first debt till it get extinguished. वो कहते हैं कि यार, for example, मैं ऊपर वाली मिसाल को continue लेता हूँ. उसने क्या होता, 1 lakh किया होता, और उसने अगर यहाँ पर payment करते time वो करता 50,000, तो वैसे जो first debt होगा, जब तक पहला debt उसका clear नहीं होगा, जब तक वो दूसरे debt पर, दूसरे transaction पर shift नहीं होगा. एग्जाम्पल हम कोट कर लेते हैं कि आजम ओज बाबर 3 debts, 1,50,000 18 अप्रैल को, 3 lakh 18 अप्रैल को, और 4 lakh 25 अप्रैल को. आजम ने सेंड किया 90,000, तो यहाँ पर 20 मई को क्या प्रोपिएशन क्या करेगा, फर्स्ट 2 debt 18 अप्रैल जो फर्स्ट टाइमली होगा, प्रोपियर प्रोपोर्शनलिटी 30,000 उसको कर देगा एंड 60,000 उसको कर देगा, या वो 30,000 डायरेक्ट भी कर सकता है. अगर दोनों सेम पे हैं तो अपोर्शन करेगा. यहाँ पर वो कहने का मतलब है 30,000 उसको कर देगा और 60,000 उसको कर देगा विद रिस्पेक्ट टू इंबाउंड्स कंट्रीब्यूट. अब व्हेन अ प्रिंसिपल इंटरेस्ट बोथ आर ड्यू, जहां पर प्रिंसिपल भी हो मार्कअप भी हो, आपको दोनों चीजें ड्यू हो रही है. मार्कअप मतलब के जिसको हम सूद का वेक पढ़ लेते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट एंड मार्कअप बोथ आर ड्यू, दोनों हो गए, तो मार्कअप इज सेटल्ड फर्स्ट, मार्कअप उसका पहले सेटल होगा, देन प्रिंसिपल अमाउंट सेटल होगी. ये कॉमन लैंग्वेज में नॉर्मल रूटीन की बातें हैं कि यार आजम ने 1 lakh किया और उस पर फॉर एग्जाम्पल 20,000 इंटरेस्ट लग गया, तो 20,000 पहले पे किया जाएगा, पहले वो सेटल करेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने 80,000 किया, तो 20,000 पहले सेटल होगा और बकाया 60,000 1 lakh में से लेस होंगे. इस तरह यहाँ पर आजम ने सेंड किया 30,000, तो 20,000 एट फर्स्ट और 10,000 जो होगा 100,000 में से लेस होगा. नीचे वो एग्जाम्पल किया प्रोपेशन ऑफ पेमेंट की, जिस तरह सिंपल सा था. यहाँ पर स्टूडेंट आपका चैप्टर दी एंड है. आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर. असाइनमेंट्स आप लोगों की वही है कि यार जिस तरह आपने ईजा की, जिस तरह मैंने टॉपिक को बताया था कि नोट्स के फॉर्म में आप बनाए, यहाँ तक किसी स्टूडेंट का इस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक में क्लास में हम शुरू करेंगे. किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर्स, करंट लेक्चर्स, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क. किसी को कोई टॉपिक ना समझ में आया हो. सर मैंने एक बात करनी थी. सर आप जो असाइनमेंट्स देते हैं सर, उससे ज्यादा इफेक्टिव ये नहीं होगा कि आप क्विज ले लिया करें, मतलब एक दिन क्विज का रख लिया करें, या बेशक आधा घंटा क्विज रख लिया करें, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो सीबीई बेस्ड है, तो असाइनमेंट जो अगर मतलब हमारा दूसरा पेपर होता तो फिर हम लोग को असाइनमेंट जो है वो इफेक्टिव रहती, लेकिन क्योंकि सीबीई बेस्ड है तो मेरे ख्याल से असाइनमेंट उतनी इफेक्टिव नहीं रहती. आप क्विज का बात करिए, पहले ये है कि हम सेशन एक रख सकते हैं दरमियान में वीक में, वो हमने रखना भी है. लास्ट अटेम्प्ट में भी हमने यही किया हुआ था कि यार एक पोर्शन, अगर स्पेसिफिक पोर्शन अगर आपका खत्म हो जाता है तो फिर ये है कि हम इसका क्विज का सेशन लेकिन 4 to 5 चैप्टर का मर्ज करके हम क्विज बना लें, देन हम एक क्लास अरेंज कर सकते हैं कि यार उसमें 1 hour जो है क्विज का रख लें, 1 hour सब्जेक्टिव का रख लें. बाकी आप सही कह रहे हैं कि यार आपका पेपर ये सेकेंड अटेम्प्ट जाएगी सीबी बेस्ड. नोट्स में इसलिए बनवाता हूँ, देखें नोट्स में बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिटी होती है माइंड में. MCQs जब बेस आते हैं वहां पर हमेशा आंसर कंफ्यूजिंग वाले मिलते हैं. जब नोट्स आप बनाते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होती है कि नहीं यार एग्जैक्ट चीज यही है, तो आप कंफ्यूज नहीं होते. नोट्स तो कम्प्लीमेंट्री है और असाइनमेंट्स तो कम्प्लीमेंट्री है. बाकी रही बात आपकी क्विज की, वो हम क्विज रखते हैं और रखेंगे. अगर हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, देखें ऑनलाइन क्लासेस में कुछ चीजें ड्रॉबैक होती हैं कि यार मैं अगर पूछता हूँ थोड़ा सा, या तो कोई पर्सन मैसेज में बताता है, किसी के साथ नेटवर्किंग की प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ वॉइस नोट की प्रॉब्लम हो जाती है, वो मुझे मैसेज ही कन्वे कर सकता है, तो इस तरह के थोड़े बहुत ना यहाँ पर ड्रॉबैक है, उसको फिर हमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करके लेके चलना पड़ता है.
लेकिन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है कि जब मर्जी आपने रिकॉर्डिंग लेक्चर सुने और कर दिए। हाँ, क्विज हम जरूर रखेंगे सेशन में, नेक्स्ट वीक के सेशन में हम जरूर रख सकते हैं कि थोड़ा सा एक पोर्शन हमारा एंड हो जाए, कि टॉपिक थोड़ा सा जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट चैप्टर में बेलमेंट एक मॉर्गेज वगैरह का शुरू होना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। हम उसके बाद एक क्विज का सेशन हम रख लेंगे, थोड़ी सी आपका ही पता लग जाए कितने लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है कितनी नहीं है। लेकिन हम इस तरह डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत मैं गो थ्रू भी कर देता हूँ प्रीवियस लेक्चर को रिवीजन किट के तौर पर, थोड़ा सा हम इतने स्टूडेंट ज्वाइन भी करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है, 3 या 4 स्टूडेंट से हम क्विज पूछ लेंगे या आपके सामने ओपन बुक होती है देख कर कुछ बता देते हैं, क्योंकि देखें जितना मर्जी ट्रस्टवर्दी हो बता तो देंगे, देख कर बता देंगे, लेकिन एक माइंड मैप नोट्स बनाने से थोड़ा सा ये तो होता है कि आप अपनी टाइम स्पेंड को तो देते हो, टाइम देते तो हो बुक को खोल के बेशक देख कर पढ़ते हो, देख कर कोशिश करते हो नोट्स बनाने की डेवलप करने की। जी सर, लेकिन देखें ना असाइनमेंट जब हम लोग बनाते हैं, एक तो ऐसे भी होता है कि कुछ चीजें अगर हम लोग समझ के भी ना कर रहे हो, असाइनमेंट से जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो बुक से, ठीक है, तो वो उस तरह से समझ में नहीं आती। हाँ ये होता है कि अगर एक दिन अगर क्विज हो और हमें पता हो कि हमने प्यार हो के बैठना है, हमसे कुछ भी पूछा जाएगा तो हम केसेस पे स्टडी करें, जितना जितना ज्यादा स्टडी कर सकें इसको स्टडी करें, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि मुझे आप लोग गारंटी दे दें कि कोई पर्सन वहां पर बुक नहीं खोलेगा, या तो वीडियोस ओपन करके रखें सारी तरफ से कंट्रोल हो, देन आई विल हैंडल दिस सिचुएशन। सर मेरी बात सुने, अगर किसी ने बुक खोल भी ली ना, अगर कोई बुक खोलता भी है तो आप देखें, आप रैंडम पूछेंगे ना, रैंडमली पूछेंगे एमसीक्यूज, इतना भी कोई फास्ट नहीं होता कि वो एकदम से उस टॉपिक पे पहुंच जाएगा। आप 1 मिनट का टाइम दिया करें पर एमसीक्यूज, तो पर एमसीक्यू आप 1 मिनट का टाइम देंगे, अगर तो जिस बच्चे से पूछा जाए वो नहीं बता रहा तो दूसरे के पास होगा कि वो विद इन मतलब 1 मिनट पास होने के बाद वो दूसरा जो है बता दिया करे उसका आंसर। इस तरह से कर लें, ठीक है, जब पेपर दे रहे हैं ना तो 1 मिनट, आई एग्री विद यू, लेकिन ऑनलाइन और लाइव क्लास में आप बैठे हो, 1 मिनट टू मच टाइम है। सोचने का टाइम ये होता है कि मैं जैसे सवाल पूछता हूँ ऑन द स्पॉट है मुझे आंसर पुटअप हो, अगर नहीं होता फॉर एग्जाम्पल 5 to 10 सेकेंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, 1 मिनट टू मच टाइम है आपके पास। सर देखिए अगर देख के बता सकते हैं जी, सर आप कोई केस बता रहे हैं, यानी कोई केस खुद से बना के हमसे पूछ रहे हैं, तो इतना भी कोई फास्ट नहीं होगा कि 1 मिनट के अंदर केस बनाकर। हाँ ये एक अलग बात है कि केस बनाकर आप लोगों के साथ पुटअप कर लूं, ये चीजें ठीक है, ये मैं एग्री करता हूँ कि हम डिस्कशन जरूर रखेंगे। जी सर, और अगर किसी ने देखा भी ना तो कम से कम बाकी जो सुनने वाले होंगे उनके जहन में चीज पड़ जाएगी कि इस चीज का ये मतलब था, सर वो बहुत इफेक्टिव रहेगा। नहीं अफेक्टिव, आई एग्री, मैं ये चाहता हूँ देखें यहाँ पर क्विज, अगर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जिस तरह आपके, अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको क्विज का सेशन का ऑलरेडी पहले पता है कि क्विज कहते किसे, कुछ यहाँ पर इंटर बेस पे स्टूडेंट्स हैं, कुछ उस बैकग्राउंड से नहीं आए जो कॉमर्स बैकग्राउंड का अंडरस्टैंडिंग से नहीं देखे, अगर मैं उनको क्विज का मैं कहता हूँ ना यार मैं केस भी देता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि क्विज को एक फॉर एग्जाम्पल मैंने केस एक बना के दे दिया, मैंने राइट डन कर दिया, वो जिस अंडरस्टैंडिंग से, जब तक अगर उन्हें नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि कम से कम मुझे थोड़ा सा एक नॉलेज हो जाता है कि कम से कम यार आप बुक खोल कर पढ़ते तो हो, कम से कम आपने रीडिंग भी किया, लिखा भी है, देख कर लिखा, कम से कम एक लाइन में से अगर आपने सारी चीजें लिख ली और 2 लफ्ज आपने अंडरस्टैंड कर लिए हैं, 2 लफ्ज भी देख कर लिख लिया, 2 लफ्ज का मतलब समझ में आ गए, तो आई गॉट माई पॉइंट, आई गॉट द विनिंग पोजिशन। मकसद सिर्फ असाइनमेंट्स का ये होता है, और जाहिर बात है इज अ कम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ योर मतलब के डिग्री, इस तरह टाइम का ही कम्प्लीमेंट्री होता है, असाइनमेंट्स का ये होता है। हाँ क्विज इज द बेटर ऑप्शन, मतलब कि एक एक्सेप्टेंस, क्योंकि सेकंड सेशन है सीबी बेस्ड का, पेपर भी आपको उस तरह आना है। हाँ हम सीबी बेस्ड पे लेके जा सकते हैं, क्विज का सेशन हम जरूर रखेंगे, लेकिन आफ्टर एंग अप्रोप्रिएट ये है कि 2 to 3 क्लासेस के बाद हम सेशन जरूर रखेंगे, जिस तरह एक हमारा एक पोर्शन कवर हो जाता है, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पार्ट है वो हमारे कवर हो जाते हैं, उसमें हमने क्विज जरूर रखेंगे, एक लेक्चर हम पर डे का, मतलब कि नेक्स्ट वीक में बेशक ये एक टॉपिक कवर हो जाए, हम क्विज का जरूर रखेंगे। नोट्स बनाने का ये मतलब ये होता है कि यार फ्यूचर में फिर भी जब आपका पेपर होगा, आपको नहीं पता है कि एमसीक्यूज का मॉडल पेपर अरेंज नहीं हो सकते, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तो पिछली गुजरी है, कोई पेपर का पैटर्न आपके सामने नहीं आया, तो आपको कैसे पता कि सीबी बेस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सीबी बेस में आने यही है कोई भी केस बना के, जब तक आपको क्यूरीज आपके जहन में डेवलप नहीं होंगी कि यार चीजें ये मैंने पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स ये होते हैं, हर एसेंशियल में ये पार्ट होते हैं, ऑफर के यही होते हैं। अगर जैसे अभी मैंने पेपर में अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर कुछ इलीगल को इलीगल से अगर सेपरेबल नहीं किया जाए तो क्या होगा,
फौरन मुझे स्टूडेंट्स ने दो तीन ने आंसर दिए कि सर वाइड होगा, अंडरस्टूड सी बात है, उन्होंने पहले से एक नोट्स डेवलप किए पढ़ा है तो पता लगा है कि वाइड क्यों होगा, क्यों सेपरेबल नहीं हो सकता, तो हमने पढ़ा है कि यार ओवरऑल पोर्शन ही आपका क्या होगा, इलीगल होगा, ये वाइड कहलाएगा। अगर सेपरेबल हो सकता है तो लीगल पोर्शन आपका वैलिड, दूसरे वाला वाइड हो जाएगा। तो ये नोट्स बनाने के सिर्फ और सिर्फ ये जो आते हैं, एक तो आपके पास अपने पास वन पेज इन्फॉर्मेशन हो। देखो सीबी बेस तो आप या तो आप खुद से ही है कि एमसीक्यूज बनाओ, आई एग्री विद यू, मैं भी एमसीक्यूज बनाता हूँ, आप भी एमसीक्यूज बनाएं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल कंडीशन में रहते हैं। मैं एमसीक्यूज तो दे सकता हूँ, आप लोग खुद से डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग खुद से पढ़कर कुछ नोट्स के फॉर्म में डेवलप जरूर कर सकते हो कि यार वन पेज इन्फॉर्मेशन हो, फौरन मुझे गो थ्रू करके पता लग जाए। क्यूज के तो मैं जहाँ पर घूमना कि यार सेशन का जरूरी होता है कि हाँ क्यूज है, मैं लाइव सेशन में लेके बैठूँ, दो तीन से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आई एग्री, वो इसका हम जरूर रखेंगे, नॉट अ बैड ऑप्शन, बल्कि गुड सजेशन है ये आपकी। लेकिन नोट्स बनाने के देखें जितना भी कर लें, है तो आपका थ्योरेटिकल पेपर, पेपर आपका सीबी बेस्ड आएगा, वो आपने, मैं बार बार कहता हूँ एग्जाम्पल को जहन में रखें, अगर मैं एमसीक्यूज बेस पे अगर मैं टिपिकली जाऊँ तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, इस वजह से पढ़ता हूँ, इसलिए वजह से मैं कोशिश करवाता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो, बिल्कुल फुली अंडरस्टैंड हो जाए कि एक्चुअली ये है क्या। मिसालें मैं एग्जाम्पल इसलिए कोर्ट में करता हूँ, अदरवाइज अगर मैं सीबी बेस स्टिक टू द पेपर वगैरह रहूँ तो शायद आपका तो कॉन्ट्रैक्टर तो खत्म भी होने वाला होता। क्यों? सीबी बेस्ड है, सीबी बेस में क्या है, क्राइमिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। हम कहते हैं कि बाकी जिस तरह यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन पढ़ाई जाती है, जिसमें बिजनेस लॉ पढ़ाया जाता है, मुझे पता है यूनिवर्सिटीज में कैसे बोरो करके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, ये सीबी बेस इसलिए कुछ सेशन बना दे कि यार ऑप्शन वगैरह, लेकिन जब तक आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कोई इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको नहीं पता होगा कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल पार्ट क्या है, आपको नहीं पता होगा क्यों नोट्स आपने एक डेवलप किए होंगे, असाइनमेंट्स कुछ डेवलप किए होंगे, आपके माइंड में होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल पार्ट कौन से होते हैं, कोई इसका जरूर रखेंगे हम सेशन के बाद, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल पार्ट का भी हम पढ़ रहे हैं, सारी चीजें करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर रखेंगे इसका। जी किसी और स्टूडेंट का? अच्छा अच्छा आप कंप्लीमेंटरी की बात कर रहे हैं इजा, ये असाइनमेंट्स जो हैं ये आपके प्रोटोकॉल में है कि स्टूडेंट्स के हैं, टाइम फ्रेम के है कि अटेंडेंस आपकी कंप्लीमेंटरी है, सारी चीजें आपकी कंप्लीमेंटरी में ही जाती हैं। नहीं सजेशन इजा आपकी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, अगर ये लाइव सेशन में हो तो बहुत, मैं कहता हूँ बहुत गुड ऑप्शन है आपके पास। हाँ अब ये कहाँ है, क्लियर होते हैं टेस्ट से भी कंसेप्ट क्लियर होंगे? जी जी हम टेस्ट भी लेंगे, मॉक टेस्ट भी रखेंगे ऑनलाइन, ये है कि आपको चीज़ों को दे दिया जाएगा ऑनलाइन, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ से भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, टेस्ट हम जरूर सेशन रखेंगे। अभी सिर्फ जितना कहा जा रहा है ना कि यार साथ साथ नोट्स आप प्रिपेयर करें, असाइनमेंट्स बनाएं ताकि पढ़ें कुछ ना कुछ, आप कुछ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कुछ इंटर बैकग्राउंड्स की भी जिन्हों को टर्मिनोलॉजी वगैरह नहीं पता, तो वो कैसे अरेंज करेंगे, वो जाहिर बात है कुछ पढ़ेंगे तो कुछ पता लगेगा। जी स्टूडेंट्स किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। किसी और की कोई सजेशन हो सो दैट ये है कि हम उसको भी अडॉप्ट कर सकें। जी सबको क्लियर है, किसी का कोई क्यूरी कोई सजेशन नहीं है? और देखें अपने सजेशन को बाहर निकाला करें, पुट किया करें अपने सजेशंस को, ताकि हर पर्सन कोई गॉड नहीं होता, हर पर्सन में कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई कमी जरूर होती है। जी सबको क्लियर है? चलें स्टूडेंट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।